Hey guys, welcome back to my channel Glam With Me. मैं हूँ मोनोस्विता और आज मैं बहुत खुश हूँ. ये तो टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं इतना खुश क्यों हूँ, क्योंकि मेरे चैनल में 10K सब्सक्राइबर हो गए हैं. सो आज इस वीडियो में मैं अपने बारे में नहीं, आप लोगों के बारे में बात करूंगी कि कैसे आप लोगों ने मुझे हेल्प किया है इतनी दूर तक आने में. सो अगर मेरे चैनल की स्टार्टिंग की बात करूँ तो मेरे चैनल में भी आपके तरह ही, आप जैसे जो न्यू यूट्यूबर्स होता है उसके तरह ही बहुत ही कम व्यूज़ आते थे. 100, 150, 200 व्यू आते थे हर एक वीडियो में. फिर एक दिन मैंने ये ठान लिया कि मुझे बहुत ही हार्ड वर्क करना है और मुझे यूट्यूब में अपना करियर जो है वो बनानी है. सो इसीलिए मैंने एक पेन लिया, एक नोटबुक लिया और मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, अपनी खुद की वीडियो देखी और मैंने ये पॉइंट किया, नोट डाउन किया कि मैं मेरे वीडियो में क्या क्या गलती कर रही हूँ और क्या क्या मैं इम्प्रूव ला सकती हूँ मेरे वीडियो में. उसके बाद से जो है मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क में जुड़ गई और मेरे वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने की फुल ऑन कोशिश किया. उसके बाद से ही जो है मेरे वीडियो में अच्छे से व्यूज़ आना स्टार्ट हो गया था. अभी भी मेरे वीडियो में बहुत अच्छे व्यूज़ नहीं आता है, पर थोड़ा बहुत जो आता है वो मेरे हार्डवर्क के वजह से ही आता है. तो मेरे वीडियो में तब व्यूज़ आना स्टार्ट हो गया और मुझे हार्डली 4 से 5 महीने के अंदर जो है वो 10K सब्सक्राइबर मिल गए हैं. और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अलग है. क्यों अलग है? क्योंकि मैं ऐसा यूट्यूबर होने के दौरान मैं भी बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखती हूँ और मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियो में नोटिस किया है कि उनके जितने सब्सक्राइबर हैं उससे कई गुना कम व्यूज़ आते हैं, पर मेरे चैनल में मेरे जो सारे सब्सक्राइबर हैं उसमें ऑलमोस्ट 90-95% सब्सक्राइबर ही मेरे वीडियो एवरी डे पे देखते हैं. तो इसीलिए मेरे चैनल में मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उससे दुगना, तिगना और कई बार उससे भी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर मुझे बहुत पसंद करते हैं. मेरे सब्सक्राइबर मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं जो मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है अच्छे वीडियो बनाने में. और जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग मुझे बहुत सजेशन देते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये दिखाओ अपने वीडियो में, वो मत दिखाओ. ये सारे चीज़ कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ. इन सारे चीज़ों के वजह से जो है मैं मेरे वीडियो की इम्प्रूव कर पाती हूँ. और ये ऐसा सजेशन आप देते रहिए हमेशा से, मैं बहुत खुश होती हूँ जब आपसे ऐसा कुछ सजेशन मुझे मिलता है. थर्डली, आप मेरे सब्सक्राइबर बहुत खास है. क्यों खास है? क्योंकि मेरे चैनल में ना वैसे ही गिने चिने हेटर्स है, हेटर्स नहीं है ऐसा भी आप बोल सकते हो, बट कुछ लोगों की तो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स रहता है खुद के लाइफ में. तो 1000, 2000, 1000 में एक कमेंट, दो कमेंट जो है वो गलत आ जाता है. सो वो एक तो गलत कमेंट में मेरे सब्सक्राइबर्स जाके, मेरे व्यूअर्स जाके इतना उन लोगों को समझाते हैं कि मेरे बारे में वो लोग खराब कुछ ना बोले, और ये देख के मुझे इतना अच्छा लगता है. मैं आपको समझा नहीं सकती कि मेरे लिए लिटरली इतने सारे लोग कोई और से लड़ रहे हैं, तो ये कितना एक ऑनर है मैं आपको समझा नहीं सकती. और मैं आपके बहुत ज़्यादा इसके लिए थैंकफुल हूँ आपके आपके ऊपर. और मेरे सब्सक्राइबर, और एक कारण है जो मेरे सब्सक्राइबर उसके लिए खास है, वो ये है कि मेरे जो सारे सब्सक्राइबर्स हैं मुझे हर वक्त ये बोलते हैं कि तुम बहुत क्यूट हो, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम बहुत, मतलब तुम्हारा जो नाम है वो एकदम एप्रोप्रिएट है तुमसे. ये सारी चीज़ें जो है ना एक लड़की के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है. अगर एक लड़की को आप इतना कुछ बोलोगे, क्यूट हो, अच्छी हो, ये हो, तो वो नेचुरली ब्लश करने लगती है, जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है. सबको पसंद है यार. और नेक्स्ट थिंग, मैं आपके साथ ये मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके कि मुझे अगले किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, आप कौन से टॉपिक के ऊपर मेरे चैनल में वीडियो चाहते हैं, तो मैं उन सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की फुल ऑन कोशिश करूँगी. और मेरे लाइफ में ना 3 चीज़ें जो है वो, उन 3 चीज़ों के लिए मैं बहुत लकी हूँ. एक, मेरे मम्मी, मेरे जैसे मम्मी मुझे मतलब बहुत ही कम लोगों को मिलता है आई थिंक, क्योंकि मुझे याद है मैं कुछ भी बचपन से ही कोई अगर जाती है सामने से कुछ ड्रेस पहन के या कुछ पहन के, मेरी मम्मी हमेशा बोलते ऐसा है खरीद लो, वो खरीद लो, दुकान में वो है वो खरीद लो. ऐसा सबके मम्मी नहीं बोलते कि यह खरीद लो वो खरीद लो, मेरी मम्मी हमेशा से बोलती है, मैं नहीं खरीदती पर मेरी मम्मी बोलती है हाँ खरीद लो खरीद लो.
और सेकंड जिसके बारे में मैं लकी हूँ वो मेरे हस्बैंड, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ। और मैं जो जो कुछ भी YouTube में कर सकती हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ, मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता है, मैं मेरे हस्बैंड को जाके बोलती हूँ कि मुझे ये चाहिए, ये करना है, और मेरे हस्बैंड जो है वो उसको एस्टैब्लिश करता है कि इसको ऐसे करना है, और मैं सीख लेती हूँ उससे। सो रियली आई एम वेरी लकी। एंड थर्ड लकी मैं क्यों हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो, ऐसे अच्छे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स सबको नहीं मिलते हैं, आई एम सो लकी कि मुझे मिल गए हैं, और मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आज के लिए तो एक सेलिब्रेशन बनता ही बनता है, पता नहीं क्या करेंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे इस दिन को, शायद मैं आपको दिखाऊंगी, शायद नहीं दिखाऊंगी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एंजॉय करेंगे। आई एम नॉट श्योर कि हम लोग क्या करने वाले हैं, बट ये तो तय है कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। सो जैसे आप लोग मुझे प्यार करते हैं वैसे ही प्यार करते रहिए, मैं वादा करती हूँ आप लोगों के साथ और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, क्वालिटी वीडियो टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगी, और आपको वो देख के बहुत मज़ा आएगा। और कमेंट करना मत भूलना कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। एंड क्लिक दिस आइकॉन टू सब्सक्राइब माई चैनल, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो कीप ऑन वॉचिंग गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।